आज दिल्ली फिर से एक बार गैस चेंबर बन चुकी है। दिल्ली गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की प्रदूषित पॉलिटिक्स से बनी है, ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स से बनी है। आज AQI लगातार गिर रहा है। आप ही लोगों ने, ANI और बाकी लोगों ने दिखाया है कि पंजाब में पराली जलना शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बताते थे कि पंजाब की पराली मुख्य कारण है दिल्ली के प्रदूषण का। आप सत्ता में हैं, वहाँ पर रोक क्यों नहीं पाए? बायो डिकम्पोजर का क्या हुआ, जिसमें करोड़ों खर्च हुए विज्ञापन पर? बनाने में 60 लाख रुपए लगे पर खर्च हुए विज्ञापन पर करोड़ों रुपए कहाँ गए वो बायो डिकम्पोजर और उसके फॉर्मूले? रोड डस्ट, MCD के वैक्यूम क्लीनर कहाँ है? दिखाई नहीं देते, MCD इनकी है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं। रोड पे व्हीक्यूलर पॉल्यूशन, कोई आंसर नहीं। कंस्ट्रक्शन का जो डस्ट, उस पर कोई आंसर नहीं। बायोमास बर्निंग 10 साल में क्या किया? कोई आंसर नहीं। हाँ, एक चीज़ किया 10 साल में, ये भ्रष्टाचार का टावर, सॉरी स्मॉग टावर खड़ा किया। और ये स्मॉग टावर बंद है, अब ये अक्टूबर चल रहा है, ये स्मॉग टावर बंद है। 23 करोड़ रुपए का बना, 2.5 करोड़ पर ईयर इसको मेंटेन करने में जाता है। ये हवा कितनी साफ़ करता है ये तो DPCC ने बता दिया है, 50 मीटर भी नहीं करता। पर ये 23 करोड़ का स्मॉग टावर अगर आज बंद है, जब एयर पॉल्यूशन इतना गिरता जा रहा है, AQI बनता जा रहा है हाई एंड हाई, तो फिर इसका काम क्या है? मतलब इसमें मोटा भ्रष्टाचार हुआ है। आम आदमी पार्टी ने ना यमुना जी को साफ़ करने के लिए, ना दिल्ली की प्रदूषित हवा को साफ़ करने के लिए कुछ किया। अब बस देख लेना, कल से हरियाणा को दोष, सेंटर को दोष, मोदी जी को दोष, यूनाइटेड नेशंस को दोष, उत्तर प्रदेश को दोष, सबको दोष देंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। ये प्रदूषित पॉलिटिक्स जो है इनकी, ये जिम्मेदार है जिसकी वजह से हमारे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स की जान खतरे में आ रही है। यही सवाल मेरा दिख रहा है। आप उनकी 2017, 18, 19, 20, 21 की बाइट उठाइए। जब तक पंजाब में सरकार नहीं आई थी, 22 में आई, उससे पहले जो आरोप हरियाणा के लोगों पर, उत्तर प्रदेश के लोगों पर, सेंटर पर लगाते थे, हूबहू एग्जैक्ट सेम आरोप पंजाब के लोगों पर लगाते थे। उन्होंने बोला पंजाब में सरकार आते ही पंजाब की पराली बंद करा देंगे, बायो डिकम्पोजर छिड़क देंगे और अगले दिन से देखना दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी, मैं दिल्ली को साफ कर दूंगा। आज देख लीजिए पंजाब में सरकार आए हुए कितने महीने, साल हो चुके, पर पंजाब की पराली तस की तस है। बायो डिकम्पोजर के बारे में एक शब्द नहीं। दिल्ली में गंदगी और भी बिगड़ चुकी है उसकी स्थिति, स्वच्छता कहीं नहीं है। MCD साथ में होने के बाद भी ट्रैफिक और जो डस्ट का पोल्यूशन है उसका आप पोल्यूशन का स्तर देख सकते हैं, डस्ट कितना फैलता है, कंस्ट्रक्शन का डस्ट कितना फैलता है। और अपनी जिम्मेदारियों का ठीकड़ा कभी दिवाली पर डालना, कभी और किसी राज्य पर डालना, ये आम आदमी पार्टी की पोल्यूटेड पॉलिटिक्स का एक उदाहरण है।